हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूं वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में जगह है मोटेरा, वहां पर ये बन रहा है। क्रिकेट का स्टेडियम है ये, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर क्रिकेट मैच वगैरह होते थे, लेकिन अब इसका रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है। बाकी की डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में इसको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा स्टेडियम है, कैसे कैसे इसमें हो रहा है, और इसकी बाकी की सब डिटेल्स वो मैं आपको सब साथ में दिखाता जाऊँगा और बताता जाऊँगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जो अहमदाबाद में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम हिंदुस्तान में जो बनने जा रहा है, मोटेरा जो जगह है यहाँ पर ये बन रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। अपने नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ये अपना ड्रीम बनाया था और उसके बाद उन्होंने इसको काम स्टार्ट करवाया है। अब जब से वो पीएम बन चुके हैं तो इसमें अच्छे से काम चल रहा है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ही हाई लेवल पर इसमें वर्क चल रहा है। इतने सारा इतनी टेक्नोलॉजी इतनी मशीनरी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये काम हो रहा है। क्योंकि जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर बनाना है तो आप समझ ही सकते हैं कि किस लेवल पे इसमें वर्क होगा, किस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसका जो कंस्ट्रक्शन है 2017 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद इसको जो कम्प्लीट करने का टारगेट है वो 2019 का रखा गया था, लेकिन ये जो कम्प्लीट होने जा रहा है 2020 में, 2020 में ये कम्प्लीट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल पे इसमें काम किया है, इसमें आउटडोर के साथ साथ इंडोर फैसिलिटीज़ हैं वो भी दी गई है। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो ये जो ये मोटेरा स्टेडियम जो बनने जा रहा है वो करीब 63 एकर्स में ये बनाया जा रहा है। आप इसका इनसाइड, ये अंदर से कैसा दिख रहा है, कैसा दिखेगा वो आपको मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके जो 63 एकर में जो मीटर है स्टेडियम के साथ साथ यहाँ पर 3 अदर गेम्स जो स्टेडियम भी बनेंगे, जो जहाँ पर अदर गेम्स भी होंगे, जो ओलंपिक्स वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडोर गेम्स वगैरह है उनका भी पूरा इसमें प्रोजेक्ट बनाया गया है। एक बोल सकते हैं कि बहुत ही स्वीट तरीके से, बहुत ही हाई फाई टेक्नोलॉजी के साथ ये मोटेरा स्टेडियम रेडी हो रहा है। कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है, क्वालिटी की बात करूँ तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। और जैसे स्टेयर्स आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी चौड़ी स्टेयर्स हैं यहाँ पर, मतलब सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोगों की वो अरेंजमेंट करने की प्लानिंग होगी। तो यहाँ से ये चीज़ एक समझने वाली, सोचने वाली बात हो रही है कि हिंदुस्तान में भी इतनी बड़ी चीज़ें बनने जा रही हैं, क्योंकि दुनिया में हिंदुस्तान का नाम चमक रहा है, मोदी जी जो चमका रहे हैं, तो चमकाने के लिए यही सब चीज़ें मैटर करती हैं। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जो अहमदाबाद में जो ये स्टेडियम बन रहा है इसमें करीब, अगर मैं खर्चे की बात करूं दोस्तों, तो जो अहमदाबाद का जो स्टेडियम बन रहा है इसमें जो करीब बजट बनाया गया वो 700 करोड़ रुपये का जो बजट बनाया है। क्योंकि जब वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाना है तो डेफिनेटली एक बड़े बजट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और बड़े बजट है जो है 700 करोड़ बहुत बड़ा बजट हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े बजट के बिना इतना हाई लेवल का स्टेडियम बनना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो काम चल रहा है जिस तरीके से मैंने देखा है, मशीनरी आप देख सकते हैं, यहाँ मैं आपको रोड साइड से दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, मशीनरी हैं, अलग अलग जो मशीनें हैं, बहुत सारी मशीनें इसमें लगी हुई हैं, क्रेन्स वगैरह बहुत बड़ी बड़ी क्रेनें हैं जो यहाँ पर लगी हुई हैं। और लेबर की अगर मैं बात करूँ तो करीब 2 से 3 हज़ार लेबर यहाँ डेली वर्क कर रही है, और ये मैं आपको जो जगह दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये लेबर यहीं पर रहती है, यह काम अभी चल रहा है तो लेबर काम भी कर रही है, और यहीं पर इनका जो रहने के लिए अरेंजमेंट किया गया है आप लोग देख सकते हैं कि कितने सारे, क्योंकि स्टार्टिंग हुआ था पीछे से और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। और ये तो एक एरिया है जहाँ पर लेबर रह रही है, बहुत सारी लेबर है जो अहमदाबाद की इधर उधर से आती है, वहाँ जो अपना एक वो अपने रहते हैं लोकल बंदे जैसे होते हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लेबर लगा रखी है, क्योंकि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के साथ काम चल रहा है। इंडोर आउटडोर सब तरीके के इसमें गेम्स वगैरह होने की प्लानिंग हो चुकी है। यहाँ पर इंडोर गेम्स के साथ साथ अगर आपको क्लब हाउस की फैसिलिटी लेनी हो तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो करीब 7 लाख रुपए का इसका क्लब हाउस की मेंबरशिप का ऑफर रहेगा। बाकी तो जो सारी डिटेल है, जो पूरा का पूरा डिटेल, वो तो उसी टाइम पर अपने को मिलेगा जब ये स्टेडियम रेडी हो जाएगा। उसमें क्या कॉस्टिंग रहेगी, क्या इसका प्राइसिंग रहेगा, कैसे रहेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, वो सब चीज़ें बाद में ही पता लगेंगी। क्योंकि उसमें और देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्टेडियम है, क्रेन्स वगैरह काम कर रही हैं। और अगर इसके मैं
जो पार्किंग की बात करूं तो करीब 2 से 3 हज़ार कार्स पार्क की जा सकती हैं, 4-व्हीलर पार्किंग जो फैसिलिटी दी जा रही है यहाँ पर 2 से 3 हज़ार की, और करीब 10 हज़ार 2-व्हीलर्स की पार्किंग की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी जा रही है। तो सोच सकते हो दोस्तों कि 2 से 3 हज़ार कारें, 10 हज़ार बाइक, कितना लंबा चौड़ा स्पेस होगा। इसलिए इस लेवल पे इसमें काम चल रहा है, और जो बहुत स्पीड में काम हो रहा है क्योंकि 2 से 3 हज़ार लेबर जब यहाँ पर ऑलरेडी वर्क कर रही है तो समझ सकते हैं कि किस हाई लेवल पे कितने ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो दोस्तों मेरे से 4-5 किलोमीटर दूरी है, तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। यहाँ पर एक हनुमान जी का भी मंदिर है, स्टेडियम के बाजू में ये जो आप सामने देख रहे हो ये पेड़ जो पौधे दिखा रहे इसके नीचे जो हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। ये मंदिर को यहाँ पर नहीं साइड किया गया है, मंदिर को ऐसे का ऐसा ही रखा है, और यहाँ पर लोग जाते भी हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी को हिंदुस्तान बहुत अच्छे से मानता है, बहुत अच्छे से पूजता है, बहुत ही अच्छी उनकी एक पर्सनैलिटी है। तो दोस्तों स्टेडियम का इनसाइड व्यू, आउटसाइड व्यू, कोई पिलर नहीं, कोई कुछ नहीं, और यहाँ का जो कैपेसिटी है, अगर हम बात करें वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कैपेसिटी होगी लोगों के बैठने की वो भी सबसे बड़ी होगी, वो है 1,10,000 लोगों के बैठने की फैसिलिटीज। एक साथ 1,10,000 दर्शक यहाँ पर क्रिकेट मैच का आनंद उठा सकते हैं, और वो बिल्कुल कोई बॉल मिस नहीं होगी क्योंकि स्टेडियम के अंदर आप देख रहे हो इनसाइड व्यू, कोई पिलर्स वगैरह इधर से उधर कुछ भी नहीं बनाया है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे पिलर्स वगैरह अगर रहते तो उसमें आपको मैच दिखने में बॉल मिस होगी, प्लेयर्स अच्छे नहीं दिख रहे, आपको इधर से उधर गर्दन करनी पड़ेगी, तो वो एक डिस्टर्बेंस ज़रूर होती थी मैच देखते हुए, जो एंजॉयमेंट में हमारे डिस्टर्बेंस आ सकती थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई पिलर नहीं बनाए गए हैं, तो मतलब आप जो मैच का आनंद उठाएंगे बिना कोई गर्दन इधर से उधर डुलाए हिलाए, ना आपको हिलना पड़ेगा ना गर्दन हिलानी पड़ेगी, बहुत ही मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूँ कि कहते हैं कि कोई स्टेडियम में कोई भी बड़ी जगह हो वहां पर आने जाने की क्या फैसिलिटी होती है, क्या वो कनेक्टिविटी अच्छी है कि नहीं है। तो आप लोग देखिए अहमदाबाद मेट्रो में ट्रेन वर्क, अहमदाबाद में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत हाई लेवल से, बहुत ही हाई स्पीड से काम चल रहा है पूरा अहमदाबाद में। और जो ये मोटेरा स्टेडियम है ये बिल्कुल अहमदाबाद मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, और अभी जो इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो अहमदाबाद मेट्रो जो स्टेशन है, जो स्टेडियम रहेगा और जो मेट्रो स्टेशन रहेगा, मेट्रो स्टेशन से डायरेक्टली स्टेडियम में जाने का भी एलिवेटेड रोड जो जहां से आप पैदल जा सकते हैं डायरेक्टली आप स्टेडियम में एंट्री कर पाएंगे। तो ये भी एक फैसिलिटी दी जा रही है कि मेट्रो स्टेशन के साथ में बनना एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि आउटसाइडर आएंगे कोई गाड़ी का टैक्सी की बुकिंग करने से बेटर कि आप डायरेक्ट मेट्रो से आइए, मेट्रो का लुत्फ उठाइए और साथ में स्टेडियम पहुँच जाइए, मेट्रो भी आप घूमेंगे और साथ में वहाँ भी। ये एक दूसरा गेट जो है यहाँ से मेन गेट, यही इसी से एंट्री डायरेक्ट रहेगी या उधर से डायरेक्ट रहेगी वो अभी मैं क्लियर बोल नहीं सकता, लेकिन ये भी एक बहुत ही अच्छा जो डेकोरेशन के साथ इसमें काम चल रहा है, जो गेट है काफ़ी बड़ा बनाया गया है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर विजिट करें जब स्टेडियम रेडी हो जाए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।